हेलो एवरी वन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रामा क्लासेस। यू हैव टू डू टू थिंग्स। आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके प्रेजेंट लिखना है, एंड सेकेंड थिंग, हमारे दो टेलीग्राम चैनल CA फाउंडेशन MCQ एंड सेकेंड वन ड्रामा क्लासेस, दोनों को ज्वाइन करना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ के लिए आपको पहले अपडेट मिल जाए। एंड टूडे, जैसा कि आपको पता है कि हम आज जो लॉ का टेस्ट है यूनिट 4, 5, 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उससे कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। आप सभी को क्वेश्चन अटैम्प्ट करके हमारे जो ग्रुप है रामा क्लासेस का ग्रुप है, अगर आप उस पर सेंड करते हो चलेगा, बट मेरा सजेशन है कि पर्सनली सर को ही सेंड करना आंसर्स। एंड अगर आप कोई भी रीज़न की वजह से नहीं अटेम्प्ट करते हो, पेपर नहीं देते हो आज का, तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस को कहीं पे नोट डाउन कर लेना, कि सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन बाय प्रोमिसी, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट इन ब्रीफ द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एंड दिस क्वेश्चंस कैरी 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर थ्री पार्टनर्स आर देयर, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एंड दे जॉइंटली प्रोमिस टू पे 1,50,000 टू पी। सी बिकेम इनसॉल्वेंट एंड हिज प्राइवेट एसेट्स आर सफिशियंट, पे ओनली 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ डैब्स। So A is compelled to pay the whole amount to B. Examine the provision of the Indian Contract Act 1872. Decide the extent to which A can recover the amount from B. This question carry 4 marks. Question number 4. What is the law relating to determination of compensation on breach of contract contained in section 73 of the Indian Contract Act 1872? This question carries 6 marks. And the last question, distinguish between wagering contract and a contingent contract. This question carries 5 marks. So all the best for today test. आपको सारे question attempt करने हैं, और attempt करने के बाद sir को send करना है, personally send करना, group में send मत करना according to me, फिर भी एक बार आप sir से concern कर लेना, तो group में send करना। और अगर आप नहीं दे पाते हो, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, अगर आप नहीं दे पाते हो तो प्लीज़ आप एक बार क्वेश्चंस को कहीं पे नोट डाउन कर लें, ताकि आपको कभी भी ये क्वेश्चंस जब आप रिवीजन करेंगे तो एक बार इन्हें गो थ्रू जरूर करना, बिकॉज सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एंड कोई भी डाउट है यू कैन ईजिली आस्क ऑन आर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज़।